ओ समर्थ भाई हेल्थ वो चीज़ है जो जिसने हमें इससे
इसे सरपास करने में हमारी मदद की। तो मेरा मानना यही है कि हेल्थ पर ध्यान देना, वेलनेस पर ध्यान देना, खास करके आजकल के बच्चों को, क्योंकि जिस माहौल से हम लोग गुजर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। एंड आई कंग्रेचुलेट विजय एंड द एंटायर टीम फॉर हैविंग स्टार्टेड दिस। सर, गुजरात में सबसे ज्यादा अहमदाबाद में अभी जिम लॉन्च हो रहे हैं, अभी अगले हफ्ते भी हुआ था, अभी भी तो ज्यादा क्रेज अहमदाबाद से शुरू हो रहा है, क्या रहे? गुजरात में सब कुछ गुजरात में ही हो रहा है, बाकी कहीं का कंपैरिजन में आप देखोगे तो प्रोग्रेस हो या हर चीज हो। आज मैं बड़ौदा से यहाँ ट्रैवल करके आया, आई थिंक ऐसे एक्सप्रेस वेज भी मैंने देखे नहीं है, सो क्लीन। तो अच्छी बात है कि गुजरात में जिम स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि गुजरात में स्टार्ट होना ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके की आप लोगों की थाली है वो बहुत ही डेंजरस है। अगर एक बार आप खा लो तो ऐसे चक जाता है कि मन करता ही खाते रहते हैं, तो ज़रूरी भी है। लेकिन खुशी की बात यह है कि सिर्फ गुजरात में ही नहीं, सारे इंडिया में हेल्थ का अवेयरनेस बहुत हुआ है। बच्चे आजकल अगर कुछ चीज़ दिखाना चाहते हो, अपनी बॉडी दिखाना चाहते हो, अपनी फिजिक, अपनी हेल्थ दिखाना चाहते हो, जो बहुत ही पॉजिटिव। सप्लीमेंटेशन कभी कभार ओवर हो जाता है, और जो सब्सटेंस अब्यूज होती है, स्टेरॉइड्स जिसका इस्तेमाल होता है बॉडी बनाने के लिए, उससे मैं कंप्लीटली अगेंस्ट हूँ और आज से नहीं, मैं हमेशा उसके खिलाफ रहा हूँ। जो लोग प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनको समझना इस साइकिल को, इस सिस्टम को बहुत ज़रूरी है, वरना इट कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। लेकिन ज़्यादा एक्सरसाइज कर, मैंने ज़्यादा एक्सरसाइज के बारे में कभी सुना नहीं है। एक एथलीट है, उसे एक्सेसिव ट्रेनिंग करनी पड़ती है जब वो तैयार होता है किसी चीज़ के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम वो उसकी ब्रेक पीरियड भी मैनेज करता है। तो मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए जब प्रोफेशनल सेटअप्स आते हैं तो बच्चों को प्रेरणा के साथ साथ एक नॉलेज पार्टनर भी मिल जाता है, जैसे जिम लाउंज है। अगर आप एक जिम में अपना टाइम बिताते हैं तो आपको नॉलेज पार्टनर्स हैं जो आपको बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो गवर्नमेंट ने भी फिट इंडिया के लिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने को बोला है, तो फिट इंडिया की मूवमेंट से आप क्या